हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। टेक्स्ट लुकअप को हम गूगल शीट में भी यूज कर सकते हैं, और ये कैसे यूज करेंगे और ये कैसे यूज होगा, आइए इसको एक बार समझते हैं और जानते हैं कि इसको कैसे यूज करेंगे। और टेक्स्ट लुकअप कहीं ना कहीं वी लुकअप से ज्यादा यूजफुल हो सकता है आपके लिए, तो चलिए आइए देखते हैं कि इसको कैसे करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं ओपन कर लेता हूँ, ये गूगल शीट है और यहाँ पर एक शीट आपको पहले से दिख रही है और यहाँ पर कुछ डेटा भी है, जैसे कि क्या इसमें रोल नंबर है, नेम ऑफ स्टूडेंट है, सब्जेक्ट 3 है, 4 है, 5 है, 3 सब्जेक्ट की डिटेल है यहाँ पे, और उसका टोटल किया गया है, फिर एवरेज निकाला गया है, ठीक है। तो ये कुछ रिकॉर्ड हमारे पास है। और शीट 2 पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर नेम ऑफ स्टूडेंट के बेस पे एवरेज लेके आएंगे। तो ये कैसे पॉसिबल होगा वही देखने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक ड्रॉप डाउन बना देता हूँ। कैसे बनाएंगे ड्रॉप डाउन, सबसे पहले यहाँ पे क्लिक रखेंगे और यहाँ से डेटा टैब पे जाएंगे और यहाँ पर आपको मिल जाता है डेटा वैलिडेशन, क्लिक करिएगा और क्लिक करने के बाद एड रूल पे जाइएगा और यहां से आपको ड्रॉप डाउन बनाना है। तो हम क्या करेंगे, ड्रॉप डाउन में एक रेंज सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। और वो रेंज कौन सी है, पहले तो रेंज पे क्लिक किया और यहां पर आए और यहां पर आने के बाद ये रेंज सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। और सेलेक्ट करने के बाद यहां से डन कर दिया, यहां पे क्लिक करेंगे और ये रेंज सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद यहां से ओके करेंगे और ओके करने के बाद यहां से डन कर देंगे। तो आप देखेंगे कि यहां पर एक रेंज आ चुकी है इस तरीके की, ठीक है। अब हम यहां पर लगाएंगे एक्स लुकअप, तो यहां लगाते हैं एक्स लुकअप इस तरीके से, जैसे मैं लगा रहा हूं वैसे ही बिल्कुल आप भी लगा लीजिएगा, ये बहुत आसान है, ठीक है। अब हमको क्या करना है, यहां से एक चूज करना है कोई भी नाम, ठीक है। तो जो भी नाम आप चूज करना चाहते हो तो वो चूज कर लीजिएगा, हाँ यहां पर जो भी नाम हो हम वही यहां पर देखेंगे। और यहां पर हमारी पूरी डिटेल है, तो यहां से ये पूरा डिटेल हम चूज कर लेते हैं, ठीक है। और ये चूज करने के बाद हमें क्या चाहिए, हमें एवरेज चाहिए, तो यहां से एवरेज पूरा सेलेक्ट कर जाते हैं इस तरीके से, ठीक है। और एवरेज सेलेक्ट करने के बाद इस ब्रैकेट को क्लोज करना और एंटर प्रेस कर देना है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर NA आ रहा है, NA एक एरर जरूर होता है लेकिन यहाँ पर कोई एरर नहीं है। यहाँ से आप जैसे ही चूज करेंगे श्याम, यहाँ देखिए श्याम का एवरेज आ रहा है, आप चेक करना है कि एवरेज सही है या गलत है, क्या पता ये गलत हो, तो यहाँ से चेक करेंगे। तो यहाँ से जाएंगे तो श्याम का एवरेज देखिए, ये यहाँ पे श्याम नाम आया हुआ है और यहाँ पर एवरेज इनका कितना है 58.66, तो यहाँ पे देखते हैं कितना आया हुआ है, तो यहाँ पर भी सेम एवरेज आया हुआ है। अब यहाँ से चेंज करते हैं, देखिए राजेश का कितना आया हुआ है, तो 57% आया हुआ है, तो 57 जो भी एवरेज है इनका 57 आया हुआ है, तो ये भी हम चेक करके देख सकते हैं यहाँ से, ठीक है। तो शीट 2 पे चलते हैं, देखते हैं। तो राजेश नाम था, तो ये देखिए ये राजेश का है और यहाँ पर एवरेज जो है इनका 57 आया हुआ है, जो कि एकदम सीधा सीधा दिख रहा है। आई होप कि आपको बात समझ में आई होगी कि ये कैसे करना है एक्स लुकअप का यूज, और ये गूगल शीट में भी आप आसानी के साथ यूज कर सकते हैं। पर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं गूगल शीट ज्यादा यूजफुल है इन कंपेरिजन टू एक्सेल। ये तो एवरेज कैलकुलेट करना था तो हमने आसानी से कैलकुलेट कर लिया, लेकिन मान लीजिए कि टोटल कैलकुलेट करना हुआ या रोल नंबर के बेस पे कैलकुलेट करना हुआ, तो ऐसी स्थिति में क्या इसमें समीकरण हो सकता है उसको भी देखेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर अब हम क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं, ये जो एवरेज हम लेके आए हैं इसको मैं यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ, ये इस तरीके से मैं डिलीट कर रहा हूँ, देखिए यहाँ से ये जा करके और यहाँ से इसे डिलीट कर दूंगा, ये डिलीट कर दिया। अब यहां पर हमको सेम डेटा लेके आना है, सेम डेटा, ठीक है। तो यहां से कॉपी करते हैं ये तो अब मान लीजिए कि टोटल लेके आना है, तो यहां से टोटल को कॉपी कर लेते हैं, यहीं पे पेस्ट कर लेते हैं, आप टोटल टाइप भी कर सकते हैं आसानी के साथ, ठीक है। अब यहां पर इज इक्वल टू एक्स लुकअप लगाता हूं, तो ये हो गया एक्स लुकअप। अब हमको किसका टोटल पता करना है, तो राजेश का, जिसका भी यहां पर नाम लिखा उसी का टोटल पता करना है, तो कॉमा देंगे। अब ये राजेश का नाम मिलेगा कहां, तो ये राजेश का नाम मिलेगा इसी में, तो राजेश का नाम या किसी का भी नाम लिखा हुआ है, तो इसको आप सेलेक्ट कर जाइए, फिर कॉमा दीजिए और कॉमा देने के बाद क्या पता करना है, तो टोटल पता करना है, तो पूरा टोटल सेलेक्ट कर जाइए, बस ब्रैकेट को क्लोज करिए और एंटर कर दीजिए। देखिए राजेश का टोटल 171 आया हुआ है। अब यहां पर चेक करते हैं कि राजेश का टोटल 171 है या नहीं है, तो यहां पर देख सकते हैं ये यहाँ पे थोड़ा सा ब्राउन कलर में हाईलाइट हुआ है, 171 यहाँ पे दिखा भी रहा है, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। आप देखिए इसका फायदा क्या है, यहाँ से अगर आप नाम चेंज करते हैं ना, तो उसके हिसाब, जैसे मोनू कर दिया तो मोनू का 68 आया हुआ है, तो यहाँ पर देखिए मोनू का नाम जो है, यहाँ पर देखिए ये जो है 68 इनका दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर मैं एक डिफरेंट कलर से भी हाईलाइट कर देता हूँ इसे, ताकि आपको देख पाने में सुविधा हो, देखिए मोनू का 68 ही आया हुआ है, तो देख सकते हैं ये बड़े आसानी से आप कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे चेंज करते हैं, फिर एक बार चेंज करके देखते हैं, जैसे उमेश करते हैं तो उमेश का 115 है, 115, तो यहाँ पे उमेश जो है चेक करते हैं, ये रहा, ये क्रॉस चेक किया हमने, ये देखिए ये यहाँ पे उमेश का नाम हाईलाइट कर देता हूँ एक डिफरेंट कलर से, ये देखिए इसे मैं ब्लैक कर देता हूँ, यहाँ से इसे व्हाइट कर देता हूँ, तो एकदम क्लियरली दिखाई देगा। तो देखिए यहाँ पे देख सकते हैं एकदम बिल्कुल वही 115 आपको देखने को मिल जा रहा है, ठीक है।
तो आपको कुछ भी पता करना हो तो एक्स लुकअप फॉर्मूले की मदद से बड़े आसानी से आप पता कर सकते हैं। ठीक है, एक बार चेक करते हैं ये रोल नंबर के आधार पर भी हो सकता है या नहीं। तो यहां पर एक और ड्रॉपडाउन बनाते हैं हम, यहां पर एक और ड्रॉपडाउन, ठीक है, तो यहां पर बनाएंगे हम, यहां पर मैं लिखता हूं रोल नंबर, तो जैसे लिखा गया बिल्कुल वैसे ही लिख देता हूं रोल नंबर, ये हो गया रोल नंबर। और यहां पर ड्रॉपडाउन बनाएंगे हम, तो ड्रॉपडाउन बनाने के लिए कहां जाएंगे, डेटा टाइप पे जाएंगे, ये डेटा टाइप है, और डेटा टाइप पे जाने के बाद डेटा वैलिडेशन, और डेटा वैलिडेशन पर जाने के बाद ऐड रूल पे जाएंगे। ठीक है, और हम एक लिस्ट चूज करेंगे, तो देखिए फ्रॉम अ रेंज दिया गया है, तो यहां से जाएंगे और यहां पर क्लिक करेंगे और यहां पर आकर के और ये रेंज सेलेक्ट कर लेंगे, तो ये रेंज सेलेक्ट करके एंटर कर दीजिएगा, काम हो जाएगा। ठीक है ना, यहां से ओके कीजिएगा, ये देखिए ये आए, यहां से ये रेंज सेलेक्ट करते हैं एक बार फिर से, और यहां से ओके करते हैं, और ओके करने के बाद डन कर देंगे। ठीक है, तो यहां पर देखेंगे तो एक लिस्ट आ गई है। ठीक है, देखिए ये लिस्ट आ गई है। अब रोल नंबर के आधार पर जो भी पता करना है, रोल नंबर 4 का टोटल कितना था, तो जो भी पता करना है आसानी के साथ पता कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए टोटल ही पता करना है, तो रोल नंबर 4 का टोटल कितना है, तो यहां लगाइए एक्स लुकअप सीधा सीधा। ठीक है, ये हो गया एक्स लुकअप, और एक्स लुकअप में यहां पर जो भी लिखा हो वही हमको पता करना है, कॉमा देंगे और यहां पर आ जाएंगे। अब देखिए हमको पता करना है टोटल, ठीक है, और रोल नंबर के बेस पे पता करना है, तो ये रोल नंबर वाला पूरा हिस्सा सेलेक्ट कर जाइए इस तरीके से, और कॉमा लगाइए, और कॉमा लगाने के बाद क्या करना है, टोटल पता करना है, तो ये यहाँ पे पूरा सेलेक्ट करके ब्रैकेट को क्लोज कीजिए और एंटर कर दीजिए। देखिए यहाँ पे रोल नंबर 4 का टोटल जो है 115 आया हुआ है, और रोल नंबर 4 उमेश का ही है, यहाँ पे चेक कर लीजिए रोल नंबर 4 उमेश का है। ठीक है ना, अब यहाँ से रोल नंबर चेंज करेंगे तो ये भी चेंज होता रहेगा, तो ये एक्स लुकअप का फायदा है। उम्मीद करता हूं कि आपको पूरी बात समझ में आई होगी, तो जिसके भी बेस पे आप करना चाहे बहुत ही आसानी के साथ कर सकते हैं, और ये काफी इंटरेस्टिंग भी है। ठीक है, जैसे आप वी लुकअप यूज करते हैं तो वी लुकअप में कहानी थोड़ी सी अलग हो जाती है। ठीक है, वो हमेशा लेफ्ट साइड से लुकअप करता है, लेकिन एक्स लुकअप में ऐसा कुछ नहीं है, आप कहीं से भी लुकअप कर सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ, और ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो इसको बार बार यूज कीजिए और इसको यूज करके देखिए कि आपको कैसा लगता है, और मुझे कमेंट में जरूर बताइए। अच्छा, मान लीजिए रोल नंबर के बेस पे किसी सब्जेक्ट का मार्क्स भी पता किया जा सकता है क्या, तो वो भी हो सकता है बहुत ही आसानी के साथ। देखिए कैसे, जैसे मान लीजिए किसी भी सब्जेक्ट का हो, यहां पर मैं देख लेता हूं क्या है, मान लीजिए सब्जेक्ट 5 का ही है, तो यहाँ पे खाली आप लिख दीजिए सब्जेक्ट 5, लिख दिया। अब नीचे आइए और फिर एक बार एक्स लुकअप लगा लीजिए, यहाँ देखिए इज इक्वल टू एक्स लुकअप, ये हो गया एक्स लुकअप आ गया। अब यहाँ पर रोल नंबर 10 का हम पता करना चाहते हैं कि मार्क्स कितना रहा, ठीक है, सब्जेक्ट 5 में, तो ये देखिए किसका पता करना चाहते हैं, रोल नंबर 10 का, तो ये रोल नंबर वाला हिस्सा पूरा सेलेक्ट कर जाइए, हेडिंग छोड़ करके बाकी सब सेलेक्ट कर जाइए, कॉमा लगाइए, कॉमा लगाने के बाद क्या पता करना है, सब्जेक्ट 5 का मार्क्स पता करना है ना, सब्जेक्ट 5 वाला मार्क्स पूरा सेलेक्ट कर जाइए हेडिंग छोड़ करके, बंद करके एंटर करिए। देखिए रोल नंबर 10 का सब्जेक्ट 5 पे जो मार्क्स है वो 75 है, कैसे है आइए देखते हैं, रोल नंबर 10 का सब्जेक्ट 5 में मार्क्स कितना है 75। तो यहाँ पे देख सकते हैं, एक डिफरेंट कलर भी इसे प्रोवाइड करता हूं ताकि आप देख पाए इसको, देखिए ये येलो कलर में हाईलाइट किया 75 यहाँ पर आपको दिख रहा है। अब देखिए यहां पर अगर चेंज करते हैं तो क्या फायदा होता है, देखिए यहां पर अगर चेंज करते हैं तो क्या फायदा होता है, तो यहां पर आए और यहां से जाकर के और मान लीजिए 7 कर दिया, तो 7 का सब्जेक्ट 5 में 59 अपने आप चेंज हो गया, और यहाँ पे क्रॉस चेक करेंगे तो आपका 7 का 59 दिखाएगा भी सब्जेक्ट 5 में, तो ये देखिए यहाँ पर 59 आया भी हुआ है। तो कुछ इस तरीके से आप काम कर सकते हैं, और ये एक्स लुकअप मुझे लगता है कि बहुत ही जबरदस्त फॉर्मूला है। तो वीडियो पसंद आया तो इसे शेयर कीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।